हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत मजे में होंगे। मेरे आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर हेयर केयर रूटीन, जिसमें कि मैं आप लोगों को पूरा प्रॉपर हेयर ऑयलिंग करके दिखाऊंगी। विंटर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप हेयर ऑयलिंग अच्छे से करें, क्योंकि आपको पता है आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है एंड और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे आपके हेयर जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है एंड साथ ही साथ आपके बहुत ज़्यादा डैंड्रफ भी बढ़ जाते हैं, आपके बालों में ईचिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन सा ऑयल यूज़ करती हूँ अपने हेयर्स में एंड मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ, कौन सा कंडीशनर यूज़ करती हूँ और किस तरीके से हेयर ऑयल को अप्लाई करती हूँ। और कुछ टाइम ही हुए हैं मुझे, मैंने एक हेयर कट लिया था एंड मेरे हेयर जो है 6 मंथ में काफ़ी अच्छे ग्रो किए थे। सो आपको मैं बताऊंगी कि मैं कौन सा ऑयल यूज़ करती हूँ और वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव है मेरे लिए और कितना ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है आपके लिए। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं इस वीडियो को देखने में, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम ऑयल देख लेते हैं मैं कौन कौन सा ऑयल यूज़ करती हूँ। मैं यूज़ करती हूँ जो कि अभी जम गया है, आप देख सकते हो, ये है ऑलिव कलियर ऑयल एंड प्योर एंड नेचुरल है। ये सनफ्लावर का है, आप देख सकते हो ये वाली पैकेजिंग, और ये मैं बहुत ही लंबे टाइम से यूज़ कर रही हूँ। अगर आप इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो आप जस्ट नॉर्मल ये वाला ऑयल यूज़ कीजिए। और मैं ये वाला देख सकते हो 1 लीटर मैंने मंगाया हुआ है, बिकॉज कोकोनट ऑयल विंटर्स हो या फिर समर्स हो बहुत ही अच्छा होता है। कोकोनट ऑयल आपके हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, आपकी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है एंड आपके फेस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप विंटर्स में अपने फेस पे लगा सकते हैं। इसे लगाने से आपका फेस जो है बिल्कुल काला नहीं दिखेगा। आप इसे रात में सोते वक्त अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, अपने लिप्स पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा महंगा हो जाता है, ये 1 लीटर मिलता है आपको 380 रुपीज़ में। इसका प्राइस 400 रुपीज़ है बट उसमें क्रॉस लग गया है, तो 380 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा। और मैंने इसे बिग बाज़ार से परचेज़ किया है, तो आपको भी इजीली बिग बाज़ार में ऑनलाइन भी मिल जाएगा। सो इसमें मैंने दोनों मिक्स कर लिया है, इसलिए मैं इसको साइड में रख देती हूँ। मैं इसमें कोकोनट ऑयल एंड ऑलिव ऑयल जो है मिक्स है, तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी ले ली है और मैं इसमें निकालने वाली हूँ। मैंने इसको गर्म किया था हल्का, सो आप देख सकते हो इतना ऑयल ले लिया है मैंने। कैसे दिखाऊं? सो इतना ऑयल ले लिया है मैंने, जितना मेरे हेयर्स में अप्लाई होगा उतना ऑयल मैंने ले लिया है, क्योंकि ज़्यादा भी लेके कोई फ़ायदा नहीं है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, वो विटामिन ई की कैप्सूल। और आप देख सकते हो ये 400 mg का आती है, जिसे इवियन भी बोलते हैं। सो आप देख सकते हो इसमें मैंने काफ़ी सारा यूज़ कर लिया है, सिर्फ एक बचा हुआ है, तो क्योंकि एक ही है तो मैं यही डाल रही हूँ, वरना मैं 2 कैप्सूल डालती हूँ इसमें। और अगर आप इसे कैप्सूल को डाल के लगाते हैं ना, तो आपके 2 मुहे बाल ख़त्म हो जाएंगे एंड आपके हेयर ग्रोथ में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस होती है। साथ ही साथ ये आपके हेयर को काफ़ी सॉफ्ट शाइनियर बनाता है। तो इसको मैं थोड़ा सा कट कर लेती हूँ, कट कर लिया है और अब मैं इसको डालूँगी इसमें। सो इसको मैं अपनी फिंगर से मिक्स करने वाली हूँ। और एक तो मैंने जो है यहाँ पे कॉटन ले लिया है, आप देख सकते हो, आपको जस्ट थोड़ा सा कॉटन चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। और अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो उससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती, तो आप स्प्रे बॉटल का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉटन का यूज़ कर रही हूँ, तो जस्ट आपको पार्टीशन करते जाना है इस तरीके से एंड उसके बाद से इसे अप्लाई करना है इस तरीके से। और इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से लग जाता है, जैसे आप देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से लग गया है एंड ऑयल जो है हमारा काफ़ी अच्छे से पहुंचा है। तो कॉटन को जो है थोड़ा सा पुश करते जाइए, इस तरीके से निचोड़ते हुए जाइए एंड उसके बाद से आप इस तरीके से करिए। सो आपका ऑयल जो है काफ़ी अच्छे से लगता है। अगेन आप जो है थोड़ा सा लीजिए एंड उसके बाद से सो इस तरीके से लीजिए, क्योंकि मेरे बाल थोड़े से लंबे हैं तो वो थोड़ा फंसते हैं, तो इस तरीके से आप लगाते जाइए। सबसे पहले अच्छे से कॉम्ब कर लीजिए एंड उसके बाद से आप फटाफट लगा पाएंगे। आपको इस तरीके से करते जाना है, आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से ऑयल लग रहा है, पूरा अंदर तक जा रहा है। और इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से ऑयलिंग होती है एंड काफ़ी अच्छी भी
होती है आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, साथ ही साथ अगर आपके हेयर डैमेज होते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छी है। मतलब बहुत अच्छा, इस तरीके से आप हेयर ऑयलिंग करते हैं तो आपकी अच्छी ग्रोथ होती है, आपके हेयर भी जो है काफ़ी रीग्रो होते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले आप अप्लाई कर लीजिए। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आपके हेयर्स के अंदर ऑयल जाता है ना, तो आपके दिमाग की बत्ती खुल जाती है और बहुत ही अच्छा फील होता है। मतलब आप जब कॉटन लेके लगाते हो ना, तो आपको पता चलता है कि आप जो है ऑयल लगा रहे हो। और ट्रस्ट मी, ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी आईज़ की रोशनी बढ़ाता है और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। तो हेयर ऑयलिंग ज़रूर किया कीजिए जब भी आपको टाइम मिलता है, वो भी प्रॉपर तरीके से। और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब हेयर ऑयल लग गया है। आप देखो बहुत ही अच्छे तरीके से हेयर ऑयल लगा है, मतलब देखो अंदर अंदर तक हेयर ऑयल बहुत ही अच्छे तरीके से लग गया है। अब इसको आपको अच्छे से अपनी फिंगर से मिक्स करना है। और थोड़ा सा जो ऑयल है, चाहे आप बहुत ज़्यादा नहीं, कॉटन को भिगो लीजिए और यहाँ पे जो है थोड़ा सा ऑयल, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लगा के इस तरीके से ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ से सारा स्ट्रेस जो है वो गायब हो जाता है। अगर आपके सर में पेन हो रहा है तो यहाँ पे लगाएंगे जो भी है, आप कोई सा भी हेयर ऑयल अगर आप इस तरीके से करते हैं ना, तो ट्रस्ट में आपके सारे सर दर्द, आपकी सारी टेंशन, सारी थकान यहाँ से दूर हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ये वाला पार्ट बहुत अच्छा लगता है, इससे ट्रस्ट में बहुत अच्छी नींद आती है अगर आप इस तरीके से करते हैं तो। उसके बाद से आपको अच्छे से मसाज करना है। अब हमारा यहाँ तो हेयर ऑयल लग गया है और इस तरीके से हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहाँ हेयर ऑयल लग गया है ठीक है, बट आपके हेयर्स में तो नहीं लगा, जिससे आप बहुत अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल बनाते हो, बहुत ही अच्छी चीज़ें करते हो। आप देख सकते हो ये मेरे इस तरीके से अभी हो गए, इनमें भी हेयर ऑयल लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मैं इसमें हेयर ऑयल को अप्लाई करूँगी। सो जो हमारा ऑयल बचा हुआ है उसको हम इस तरीके से लेंगे अपनी हथेली पे, एंड इस तरीके से आपको रफ करना है और आपको इस तरीके से अप्लाई करना है अच्छे से आपके पूरे हेयर में। तो दोनों साइड मैंने अच्छे से हेयर ऑयल अप्लाई कर लिया है, ऊपर से लेके नीचे तक, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी से आपके हेयर जो है शाइनी होते हैं, आपके हेयर लॉन्ग होते हैं, मतलब यहाँ से तो लॉन्ग नहीं होते, बट यहाँ से अगर आप मसाज करेंगे तो यहीं से बढ़ते हैं बाल गाइस, यहाँ से नहीं बढ़ते। बहुत लोग बोलते हैं बाल कटाने से बाल बढ़ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कॉमन सेंस आप यूज करिए। बाल यहाँ से बढ़ते हैं ठीक है, आपके स्कैल्प से बढ़ते हैं, यहाँ से अलग से आपके जुड़ थोड़ी ना जाते हैं आपके नीचे वाले हेयर से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बढ़ने होते हैं, यहाँ से बढ़ेंगे और जितना आप कटाते हो ना उतना ही वापस से बढ़ जाते हैं, तो आपको लगता है हेयर आपके बढ़ गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपके अगर आप यहाँ पे इसकी देखभाल करोगे ना, तो यहाँ से आपके हेयर अच्छे से ग्रो होंगे। राइट, तो जैसे मैं नाइट में अप्लाई करके सो जाऊंगी एंड अर्ली मॉर्निंग में उठ के आपको वॉश करके दिखाऊंगी मैं। सो मैं यहाँ पे लोरियल का शैम्पू यूज कर रही हूँ। और राइट, तो मैंने अपने हेयर को अच्छे से वॉश कर लिया है और अब मैं इसे ड्राई करूंगी और लोरियल का कंडीशनर भी यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ हेयर ड्राई करने के बाद मैं यहाँ पे लिवॉन सीरम लगा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपके जो बालों की टेंगल है वो बहुत ही ईजिली रिमूव हो जाते हैं।